किचन में बन रहा है बीफ के सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए देख लेते हैं, बगैर टाइम जाए कि अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बीफ का कीमा चाहिए, इसको मशीन में से 2 से 3 दफ़ा निकाल लेना है। लहसुन, कुटा हुआ लहसुन चाहिए, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था हमने, उसको चॉप करके उसका पानी निकाल लिया। टेबल स्पून ही भर के हरी मिर्चें और हरा धनिया इसका पेस्ट बना लिया और इसका भी पानी हमने निकाल लिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून पिपली पाउडर, 1 टीस्पून सूर्ख मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी चीज़ें, सारे मसाले कीमे में डाल देंगे। कीमे को एक खुले बर्तन में निकाल लिया है और इसको अच्छी तरीके से हम बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं, इस तरह से हम इसको बिल्कुल गूंद लेंगे। वन टेबल स्पून जितना हम इसमें मक्खन भी शामिल कर देंगे और इसको कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इनको सीखों पर लगाएंगे। आपको 2 तरीकों से सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, एक आपको तवे पे बना के दिखाऊंगी और एक हम अंगीठी पे बनाएंगे कोयलों पर। अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इस तरह से गोल गोल बनाकर सीख पर लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारी सीखों पर कबाब लगा लेंगे। ये सीखों पर हमने कबाब लगा लिए हैं, अब हम इसको तवे पर फ्राई करेंगे। इसे हार्ड हो जाए तो हम इनको सीखों में से निकाल लेंगे और तवे पर बनाएंगे इनको। थोड़े थोड़े हार्ड होना स्टार्ट हो गए। थोड़े थोड़े से ये कलर इन पे आना शुरू हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा घुमाते रहेंगे, जैसे ये थोड़े से और हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम इनको सीखों में से निकाल के तवे पर पका लेंगे। तो हमने बीच में मक्खन डालना है तो ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ये ड्राई अगर लगे तो आप इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट में फ्लेम हमने हाई रखी थी, अब फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे कबाब सीखों में से उतार लेंगे। अब हम इन पे ऑयल लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से पकने देंगे। 2 मिनट हो गए, अब साइड इसकी चेंज कर देखो इस तरह से। देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। थोड़ा
थोड़ा सा ऑयल हम उसमें और डाल देंगे और दोबारा से ऊपर से ढक देंगे। देखिए इसका दूसरी साइड से भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, ये बिल्कुल डन हो गए हैं। बस हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम अंगीठी पर बना रहे हैं, जैसे ही हल्का हल्का कलर एक साइड से आएगा तो हम साइड बदल देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करने क्योंकि कबाब हार्ड हो जाएंगे, हमें जूसी और सॉफ्ट सी कबाब चाहिए। की रेसिपी बीफ के सीख कबाब बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको दो तरीक़ों से सीख कबाब बनाने सिखाए हैं, तवे पर भी और कोयलों पर भी। यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस पर मर्ज़ी बना लें। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत जूसी और सॉफ्ट बने हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं है, हाथ लगाते हुए टूट रहे हैं। इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत जमी और ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बने हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।